असल में ये पत्थर है इंडिया का, रेगिस्तान का ओरिजिनल पत्थर जो है ये पत्थर, ये इंडिया से आता है। ये असल में असल धार यही लगाता है जो ग्राइंडर पे जो धारे लगाते हैं सब लोग, जो हम जो धारे जो लगाते हैं जो बैठे हैं जितने भी ये धारे लगाने वाले, वो सिर्फ चिंगारियाँ निकाल के हाथ में दे देते हैं। असल धार पत्थर की आती है। हमारा 12 महीने का काम है और प्रोफेशनल लोग आते हैं हमारे पास, कसाब आते हैं, कमेलदार आते हैं, और साल में जब ये बकरीद का टाइम होता है तो साल वाले आते हैं जो साल में एक दफ़ा कुर्बानी करते हैं, वो लोग भी आते हैं भरपूर। ये हमारा पुराना काम है, बाप दादाओं से चलता आ रहा है, छुरे बनाते हैं हम लोग। छुरियों में कमानी की भी होती है, स्टील की भी होती है, रेती की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो चलती हैं अब वो स्टील की चलती हैं। कसाईयों की डिमांड छुरे लेने आते हैं, छुरे और छुरियाँ, काम तेज़ हो जाता है, और जो साल वाले हैं वो भी आते हैं। मीठी ईद के बाद ये काम शुरू हो जाता है तेज़ी से, बकरे तक रहता है। इस हिसाब से गाइड करते हैं हम लोग कि अगर वो बड़ा जानवर काटता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा वेट देते हैं ज़्यादा, अगर वो बकरा काटता है फिर हम उसके हिसाब से वेट देते हैं कम, तो वो चला सके नॉर्मल जो उसके हाथ ही हैं। धंधे की छुरी नॉर्मल हम लोग अपनी बनवाते हैं, ये हमारे छुरी है नॉर्मल, ठीक है, इसको हम धार खुद ही लगाते हैं, खुद ही बनाते हैं। तकरीबन मीठी ईद के बाद से हम शुरू हो जाते हैं और बकरे इस तक हम लोग लगे रहते, काम चलता रहता है। नहीं, हमारे 12 महीने रेट सेम रहता है। असल में ये पत्थर है इंडिया का, रेगिस्तान का ओरिजिनल पत्थर जो है ये पत्थर, ये इंडिया से आता है, लाहौर से मिलता है। इसकी लाल चिट्टी वाला पत्थर कहलाया जाता है। ये असल में असल धार यही लगाता है जो ग्राइंडर पे जो धारे लगाते हैं सब लोग, जो अमूमन जो धारे जो लगाते हैं जो बैठे हैं जितने भी ये धारे लगाने वाले, वो सिर्फ चिंगारियाँ निकाल के हाथ में दे देते हैं। असल धार पत्थर की आती है, पहले ग्राइंडर पे लगता है, उसके बाद जो धार कंप्लीट होती है वो पत्थर पे होती है। ये इम्पोर्टेड गारमेंट स्टील है, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये कोई लोकल माल नहीं है, हमारा स्पेशल होता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, फिर हम इसको खुद बनवाते हैं। छिछरी बनती है हमारी, पिस्टल एहसास के नाम से छिड़ियाँ बनती हैं हमारी, इंपोर्टेड माल होता है, बाहर से आता है फील्ड। तकरीबन 800 से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ये 5000 रुपये की भी होती है छिड़ियाँ, ऊपर चले आए तो 10000 तक की भी होती हैं छिड़ियाँ। इसका फ़र्क होता है काफ़ी, क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है, फिर साइज़ का फ़र्क हो जाता है, साइज़ वगैरह होते हैं छोटे बड़े, उसके हिसाब से साइज़ के हिसाब से फिर बनावट के हिसाब से फ़र्क हो जाता है। मटेरियल का थोड़ा उन्नीस फ़र्क होता है, ज़्यादा डाल दिया जाता है तो महंगी होती है। इसे हमारा 12 महीने का काम है और प्रोफेशनल लोग आते हैं हमारे पास, कसाब आते हैं, कमेलदार आते हैं, और साल में जब ये बकरीद का टाइम होता है तो साल वाले आते हैं जो साल में एक दफ़ा कुर्बानी करते हैं, वो लोग भी आते हैं भरपूर। कराची वालों के लिए ये पैगाम है मेरा कि एक दफ़ा हमारे शॉप पर आएँ, ट्राई करें। काम करने वाले तो बहुत हैं लेकिन काम का मेयार नहीं है उनके पास। आप हमारे पास आएँ, हमारे पास मुकम्मल चीज़ तैयार होती है, रेडी होती है, बिल्कुल फाइनल होती है, हम लोग पत्थर मार के इसको बिल्कुल फाइनल करके देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्राइंडर मार के सिर्फ चिंगारियाँ दिखा के धार लगा के दे दी जाए, बिल्कुल फाइनल होता है, हम घिसके देते हैं बाकायदा और तैयार होता है। हमारा नाम है पाकिस्तान के अंदर मिस्त्री साथ के नाम से, नाजमाबाद छोटा मैदान 3 नंबर पर हमारी शॉप है, नियर फरजाना हॉस्पिटल है। तो जो एक दफ़ा आएगा वो बार बार आएगा इंशाल्लाह।